बदौसा थाना प्रभारी के खिलाफ लामबंद होकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। ग्रामीणों ने कहा कि थाना प्रभारी का ग्रामीणों के खिलाफ रहता है धूलमूल रवैया। शिकायत दर्ज नहीं करते हैं थाना प्रभारी। थाना प्रभारी के रवैये से परेशान ग्रामीणों ने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए किया जाए स्थानांतरण। आपको बता दें, पूरा मामला बसौदा थाना क्षेत्र का है, जहां के निवासियों ने थानेदार के ऊपर ही मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया है कि थानेदार गरीबों का हनन करता है, एनसीआर तक दर्ज नहीं करता, अपनी मनमानी पर उतारू रहता है। कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दो तो कार्रवाई नहीं की जाती है। जब अगले दिन जाओ तो कहता है कि कोई शिकायत पत्र नहीं मिला है, तो कोई कार्रवाई किस में करूं? जनता से सही व्यवहार नहीं करते हैं, थाने में बुलाकर लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इन्हीं सभी शिकायतों को लेकर पुलिस अधीक्षक व आईजी चित्रकूट धाम मंडल को थानेदार के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर शिकायत की है। बांदा से फैयाज खान की रिपोर्ट। समस्या को लेकर आज डीएम यहाँ आई, बदौसा थाने के ऐसा खिलाफ कंप्लेंट हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी प्रार्थना पत्र और FIR नहीं लिखते, प्रार्थना पत्र को दबा दिया जाता है। हमें अगले दिन हम चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई नहीं की गई है, तो हमसे ये कहते हैं कि आप यहाँ आई नहीं थी, बल्कि हम खुद ही रजिस्टर से साइन वगैरह करके आते हैं। क्या हमारे साथ बदतमीजी की गई है, नहीं मेरे और मेरे पिताजी को बेइज्जत करने की बात की गई है। सर, बिसंडा थाने के गांव में प्रधान पे एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसने उसके साथ जबरन घर में घुसकर छेड़छाड़ किया। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, थाना अध्यक्ष को बताया गया है कि तहरीर प्राप्त करके जो भी आती है एप्लीकेशन उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेगी। सर, महिला ने यह भी कहा है कि उसके घर में पूरे घर को उसको घेरे हुए थे, पुलिस बल भी तैनात है। ऐसी बात नहीं है, मौके पर एहतियातन पुलिस लगाई गई है, लेकिन अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी इसमें वैधानिक कार्रवाई। क्या मामला कोई प्रेम प्रसंग का लग रहा है क्या? उसकी जांच की जा रही है। अध्यक्ष, जय हिंद सेवा दल। किस समस्या को लेकर आए आज? मैं थाना अध्यक्ष बदौसा मोहम्मद अकरम द्वारा जनता के प्रतिकूल व्यवहार करना, जनता से सही व्यवहार न करना, थाने में बुलाकर प्रताड़ित करना और जनता का जो मूल सुरक्षा अधिकार होता है, मौलिक अधिकार, NCR लिखना, FIR लिखना, उसको कभी नहीं लिखते हैं और तड़का देते हैं लोगों को और बदतमीजी करते हैं। क्या कहते हैं आप? हम चाहते हैं इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए इनका स्थानांतरण कर दिया जाए गैर जनपद में और कड़ी कार्रवाई की जाए।